न्यूज़ पीके के सभी दर्शकों का मैं नवीन विश्वकर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दर्शकों, कोरोना के खराब दौर में शासन प्रशासन हम सभी को बचाने का प्रयास कर रहा है। हमारी अपील है कि नियमों का पालन करें और कोरोना से इस जंग में प्रशासन का सहयोग करें। फिलहाल वक्त है इस खास खबर का। झांसी के शहर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ दिन पूर्व मौत हो गई। मरने से पहले मृतका ने पत्र और वीडियो के माध्यम से अपनी दास्तां सुनाते हुए पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत परिजनों ने एसएसपी से करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। प्रेमनगर थाना अंतर्गत कृष्ण नगर कॉलोनी खेरा में रहने वाली सुशीला देवी ने बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी 31 अक्टूबर 2017 को बड़ा गाँव गेट के बाहर रहने वाले राजा सोनी के साथ कराई थी। वहीं विवाह में उन्होंने 3 लाख से अधिक रुपए और सामान दिया था। आरोप लगाते हुए मृतका की मां ने बताया कि पति और ससुराल वालों ने उसकी बेटी को लगातार प्रताड़ित करते हुए परेशान कर रहे थे। पति और ससुराल वालों ने उसकी बेटी से नगरा में स्थित प्लॉट और 2 लाख रुपए देने की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर पति और ससुराल वालों ने उसकी बेटी को तरह तरह से यातनाएं देते हुए प्रताड़ित करने लगे। आपको बताते चले, परेशान होकर उसकी बेटी ने पत्र और वीडियो बनाकर पति और ससुराल वालों की यातनाएं बताई। इसी दौरान उसकी बेटी को पति और ससुराल वालों ने कुछ गोलियां खिलानी शुरू कर दी, जिससे उसकी बेटी बीमार हो गई। काफी बीमार होने की जानकारी जब मायके वालों को हुई तो उन्होंने रुपए भिजवाए, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी बेटी की मौत हो गई। बताते चले, महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी बेटी की मौत के दोषी पति और ससुराल जन है, जिसके लिए उसने न्याय की गुहार लगाई है। शादी के कुछ दिनों बाद अचानक ही मेरी तबीयत खराब हो गई। जब भी चेकअप हुआ तो पता चला कि मेरी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। मेरे ससुराल वालों ने मेरा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया, ना ही मेरे पति ने किया। मेरा इलाज भी उन्होंने तब करवाया था जब मेरे मायके से पैसे आए, तब वो मुझे मुरादाबाद ले गए। शादी के 6-7 महीने मैं वहाँ रही, जहाँ जिसमें उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, काफ़ी टॉर्चर किया। मेंटली मैं बहुत परेशान थी, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, मुझे बहुत परेशान करती थी। मैं पति भी मेरा सपोर्ट नहीं करता था, किसी भी तरह से नहीं करता था। मैं ना ही मेरे को 15 दिन की दवाई ला के 1-1 महीने खिलाते थे, बहुत परेशान करते थे। मैं मेंटली इतना परेशान कर दिया था कि मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मेरे भैया मुझे लेने आए और मैं उनके साथ अपने मायके आ गई। यहाँ मैं 10 महीने से रह रही हूँ। इन 10 महीनों में भी उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है, चाहे जब मुझे फ़ोन करके परेशान करते रहते हैं, बुलाते हैं और धमकी देते हैं। मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जब से मैं आई हूँ मेरे इलाज में काफ़ी फ़र्क हुआ है, मेरी बीमारी भी काफ़ी सही हो गई और मैं यहाँ पर काफ़ी ठीक हो गई हूँ। लेकिन अब वो काफ़ी फोर्स कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, तो मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इसलिए मैं सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ अपने ससुराल जा रही हूँ। और मुझे नहीं पता, मुझे उन पे 1% भी भरोसा नहीं है। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा या क्या कर सकते हैं। इसीलिए मेरे मायके वाले मुझे भेजना भी नहीं चाहते, लेकिन मैं फिर भी जा रही हूँ। अगर मुझे मेरे ससुराल में कुछ भी हो जाता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ मेरे ससुराल वाले ही होंगे। एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक महिला जो जिसकी किडनी में समस्या हो गई थी और उसकी डायलिसिस चल रही थी, उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उसको ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था और अभियोग पंजीकृत कराने का अनुरोध किया गया है। उसके प्रार्थना पत्र को
थाना कोतवाली को अभियोग पंजीकृत करने के लिए भेज दिया गया है और अग्रेतर कार्रवाई से आपको अवगत कराया जाएगा। झांसी से रवि परहार की रिपोर्ट। पीके यूनिवर्सिटी, बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन फॉर मेडिकल साइंस, बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, बीटेक, एमटेक एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। कॉन्टैक्ट नाउ www.pkuniversity.edu.in। एड्रेस थानरा विलेज, झांसी रोड, शिवपुरी।